हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियां निकाली हैं। ये जो पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर हैं, ये हिमाचल के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में रखे जाएंगे। आज की वीडियो में हम आवेदन पत्र को भरना सीखेंगे। तो हमारे सामने एप्लीकेशन है सेवार्थ खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी BEEO। इस केस में खंड कोटला है और जिला कांगड़ा, वो यहाँ पर भर देना है। नेक्स्ट, आवेदक का स्वयं सत्यापित फ़ोटो यानी कि फोटोग्राफ यहाँ पेस्ट कर देना है और उसके ऊपर आवेदक के सिग्नेचर हो जाएंगे। जिला व खंड का नाम, जो जिला का नाम जैसे ऊपर मेंशन किया था कांगड़ा और खंड का नाम कोटला। स्कूल का नाम जिसमें पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर ने अप्लाई करना है उस स्कूल का नाम, राजकीय माध्यमिक या प्राथमिक पाठशाला, इस केस में छत्री। आवेदक का नाम, इस केस में राम कुमार है। लिंग पुरुष या महिला, तो इस केस में पुरुष है। आवेदक के पिता का नाम आएगा दिनेश कुमार, जैसे इस केस में है। जन्म तिथि पहले अंकों में और फिर शब्दों में। आवेदक का स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस, वो यहाँ पे ध्यानपूर्वक भर देना है विद पिन कोड एंड मोबाइल नंबर। आवेदक का पत्राचार पता यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर सेम है तो सेम भर देना है। आगे फिर घोषणा है कि उपरोक्त जो जानकारी है वह बिल्कुल मेरे अनुसार, मेरे ज्ञान अनुसार सही है और विश्वसनीय है। आवेदक के हस्ताक्षर और डेट। नेक्स्ट जो पेज है उसमें आवेदक की शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का विवरण आएगा। तो इसमें वर्ष आ जाएगा, कक्षा, बोर्ड का नाम, कुल अंक, प्राप्त अंक कितने हैं और प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जो प्राप्त अंक हैं उनको हम कुल अंक से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। क्या आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या नहीं, तो हाँ या नहीं यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट कॉलम में आवेदक के घर की अमुक स्कूल से दूरी डिस्टेंस, जैसे इस केस में है 1.6 से 2 किलोमीटर, तो उस केस में जो पॉइंट मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, वो 6 मिलेंगे आउट ऑफ 8, और अगर 1.5 किलोमीटर से कम है तो 8 के 8 पॉइंट मिलेंगे। 4 किलोमीटर से ज़्यादा है तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 5वीं पास है या नहीं, हाँ या ना, इसमें लिख देना है। क्या आवेदक विधवा, अति दरिद्र, प्रतित्यक्ता, स्त्री, विकलांग या अक्षम व्यक्ति है, तो प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पर हाँ या नहीं लिख देना है। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, BPL, IRDP से संबंधित है, तो हाँ या ना ही लिखना है। ऊपर वाले कॉलम में अगर लैंड डोनेट किया है तो प्रमाण पत्र के साथ हाँ या ना लिख देना है। क्या आवेदक के परिवार में किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है या नहीं, हाँ या नहीं लिख देना है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिख देना है। घोषणा, तो उपरोक्त पद्धत जानकारी मेरे अनुसार सही है, सत्य है और विश्वसनीय है, और सिग्नेचर आ जाएंगे और डेट आ जाएगी। ये है वो नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने 10 नवंबर 2021 को जारी की थी, जिसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई थी। जो डिस्टेंस का जो मार्क्स थे वो पहले 10 मार्क्स थे, अब उसको 8 कर दिया गया है, और जिसने लैंड डोनेट किया है वो पहले 3 पॉइंट थे, उसके लिए 3 मार्क्स थे, अब उसको 5 मार्क्स कर दिए गए हैं। कुल 30 अंकों में से जितने अंक प्राप्त होंगे आवेदक को, उसी के आधार पर उसे नौकरी मिलेगी। आपकी सुविधा के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।